नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता अपने इस चैनल कुछ खास में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम है कोलियस। इससे तो आप परिचित होंगे ही इस पौधे से, और साथ ही साथ इस कोलियस के बारे में इसकी कैसे केयर मेंटेनेंस होती है ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये जो है ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है दोस्तों, और ये काफ़ी हीट लविंग प्लांट है, यानी इसे सन लाइट बहुत पसंद है, और ये गर्मियों का ही पौधा है दोस्तों। तो इसे आप गर्मी में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, गर्मियों में लगाएं इसे, और इसे धूप में भी आसानी से रख सकते हैं। बाहर लगाइए, आउटडोर लगा दीजिए, और इसे इनडोर भी आप रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जिस खिड़की में धूप आती है, जो दक्षिण और पूर्व की तरफ जो खिड़की है उसमें आप रखिए, तो इसे सनलाइट मिलती रहेगी और ये अच्छी तरीके से चलेगी। क्योंकि उत्तर दिशा में इसे मत रखिएगा दोस्तों, उत्तर दिशा की तरफ अगर आप रखते हैं तो उसमें तो आपको सनलाइट मिलेगी नहीं, और ये आपके ख़राब हो जाएंगे, पत्तियाँ सिकुड़ जाएगी, पत्तियों के कलर जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो बहुत ही लाइट कलर के हो जाएंगे। तो इसे जहाँ सूरज की रोशनी आराम से मिले वैसी जगह में आपको रखनी है। और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं दोस्तों, ऐसे मेरे पास तो देखिए काफ़ी हैं, मतलब जितने भी मेरे पास हैं और भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं उसे नहीं लाई हूँ क्योंकि अभी थोड़े छोटे हैं। तो अभी मेरे सामने जितने थे मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये देख रहे होंगे इसके जो पत्तियों के जो कलर है, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए इसके कलर जो हैं, ये किसी में ग्रीन है बाहर की तरफ, और फिर थोड़े मरून टाइप के हैं, फिर पिंक हैं, और ये देख रहे होंगे ये, और एक दूसरे किस्म की है। इसके पत्तियों की अगर आप कलर देख रहे हैं तो ग्रीन और ब्लैक में है ये। और ये दोस्तों इसकी जो पत्तियां हैं ये तो ऐसे लगती है जैसे डिफेंस के यूनिफॉर्म की जो यूनिफॉर्म की कलर होती है ना, उस टाइप के हैं ये देखिए। और ये देखिए मेरे पास और एक कोलियस है जो ग्रीन और येलो शेड में है। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ जो येलो और मरून में है, और किसी पौधे के जो पत्ते होते हैं कोलियस के वो बिल्कुल पूरी तरीके से मरून होते हैं, कोई ग्रीन और रेड में होते हैं, काफ़ी वैरायटीज़ होते हैं दोस्तों। तो और इसमें फ्लावरिंग भी होते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। हाँ, ये वाली फ्लावरिंग ये हो चुकी है दोस्तों, ये फ्लावरिंग हो चुकी है। तो और ये देखिए ये हो रही है, इसमें इस तरह कलर के इसमें फूल आते हैं। तो कोलियस के पौधे लगाने बहुत आसान है दोस्तों, आप इसे ज़रूर लगाएं। चलिए तो इसकी सॉइल के बारे में बात की जाए, तो सॉइल दोस्तों इसमें सबसे अच्छी रहेगी कि आप जो सॉइल लें वो इक्वल प्रोपोर्शन में, उसमें गार्डन सॉइल ले लीजिए, बालू की मात्रा ले लीजिए, और ये थोड़ी सी उसमें वही इक्वल प्रोपोर्शन में आप काउडंग ले लीजिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी उसमें डाल सकते हैं, या फिर अगर उसे इसे आप जैसे गमले में मैंने लगाए हैं तब गमले में लगाइए। अगर आपको हैंगिंग बनानी है तो इसकी हैंगिंग भी बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। डिफरेंट कलर्स के सेडेट को अलग अलग तरीके से लगाइए, या फिर एक ही में थोड़े सजा के लगाइए दोस्तों, तो कोलियस के बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत वो लगते हैं देखने में। तो कोलियस का चूँकि ये डिफरेंट कलर के पत्तियां हैं, तो मान लीजिए बीच में आप इसे लगा दीजिए, साइड से फिर इसे लगा दीजिए, उसके फिर साइड से आप इसे लगा दीजिए। इस तरीके से भी आप अपने गमले को तैयार कर सकते हैं, हैंगिंग भी बना सकते हैं। तो हैंगिंग के लिए आप बालू की जगह ये जो कोकोपीट आती है वो दे दीजिए, वो हल्की हो जाएगी। तो ये दोस्तों हो गई, इसकी सॉइल के बारे में मैंने बता दी। अब इसके वाटर कैसे दीजिएगा, तो इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है, और लीफली प्लांट है तो आपको, और गर्मी का प्लांट है दोस्तों, तो इसे आपको दो बार तो पानी देना जरूरी है, एक सुबह को दे दीजिए, एक शाम के टाइम में दे दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगे कि इसकी जो मिट्टी है सूख गई है तभी दीजिए पानी, मॉइस्ट रहे तो पानी मत दीजिए। जैसे ये देख रहे हैं, ये जो है दोस्तों इसके जब तक एक इंच के मिट्टी नहीं सूख जाती है तो आप इसमें पानी नहीं देंगे, और अगर मान लीजिए ये ऊपर से भीगी हुई है तो मत दीजिए इसे पानी। ये नहीं कि पूरी गमले की मिट्टी सूख जाए उसके बाद आप दें, तो ये फिर आपके पौधे इसमें मर जाएंगे। तो इसमें पानी भी, पानी की मात्रा, चूँकि लीफली प्लांट है तो उसमें पानी तो लगेंगे ही, नहीं तो ये मुरझाने शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो पानी आप दीजिए, लेकिन सॉइल चेक करके दीजिए।
और जिस गमले में लगाए उसके होल ऐसे होने चाहिए जो एक्स्ट्रा पानी रहे दोस्तों, वो जरूर निकल जाए, वो उसमें नहीं ठहरे। चलिए पानी की बात होगी, अब रही फर्टिलाइज़र की बात दोस्तों, तो हर दो वीक के अंतराल में आप एक ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बताई है वो आप दे सकते हैं इसमें, और NPK 2020 जो आते हैं, वैसे तो मैं ऑर्गेनिक पर ही ज़्यादा ये करती हूँ, लेकिन बहुत कोई कहते हैं कि ऑर्गेनिक के अलावा आप थोड़ी सी दूसरी भी बता दीजिए तो अच्छी रहेगी, तो NPK भी ले आ सकते हैं 2020, और एक लीटर पानी में एक चम्मच घोल के उसे इस पौधे को पूरे नहला दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, उसमें स्प्रे करके इसे नहला दीजिए, क्योंकि ये लीफली प्लांट है तो NPK इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लीफ की ही खूबसूरती मेन है, इसके फ्लावरिंग उतने अच्छे नहीं होते हैं, मतलब उतने अच्छे नहीं दिखते हैं जितने कि इसकी जो बहुत अट्रैक्टिव होती है इसकी लीफ। तो ये हो गई फर्टिलाइज़र की बात, प्रोपोगेशन की बात आते हैं दोस्तों, तो प्रोपोगेशन बहुत ईजी है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे कैसे लगाया जाता है वो भी मैं दिखा दूंगी आपको, फिर भी मैं बता देती हूँ इसको प्रोपोगेट करना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से एक स्टीम तोड़िए, स्टीम काटिए, हाँ ज़रूरी नहीं है कि 45 डिग्री एंगल में हो, किसी तरीके से तोड़ लीजिए, पिंचिंग करके भी अगर इसके इस पोर्शन में पिंचिंग करते हैं तो पिंचिंग जो पोर्शन है उसको फेंकी नहीं उसे भी लगा दीजिए, वो भी लग जाएगी, या फिर यहाँ से एक आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से यहाँ पे काट लीजिए और काट के उसे मिट्टी में लगा दीजिए, जैसे मैंने मिट्टी बोली है उस सॉइल में लगा दीजिए, तो वो भी आराम से ग्रो कर जाती है। और ये इसकी जो ये स्टीम से ही ग्रो करना इसके इसमें सबसे बेहतर होगा और बहुत ही इजी तरीके से ग्रो होती है, इसमें आपको जो रूट हार्मोन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये ग्रो कर जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी मदर प्लांट अलग है, मैंने इसे इसी तरीके से ग्रो किया है, जस्ट छोटी छोटी कटिंग्स मैंने लगा दी और इसे ग्रो किया है। अब जैसे इसे बूशी बनाना है दोस्तों, तो बहुत ईजी है, इसे पिंचिंग करते रहिए, जैसे यहाँ से इसे पिंच कर दीजिए, और पिंचिंग करने के बाद आप इसी पिंच को अगर दूसरे जगह कहीं भी लगा देते तो वो ग्रो कर जाएगी, वो भी आपका एक पौधा बन गया, और दूसरी तरीके से हुआ कि वो आपको बूशी बना देगा, आपके हेज की तरह बन जाएगा, ये तो बहुत ही खूबसूरत लगता है वो गमला देखने में। और एक चीज़ है दोस्तों, चूँकि ये गर्मी का प्लांट है तो ये इसमें दोस्तों कुछ दिनों बाद जैसे विंटर का सीज़न आता है तो ये थोड़ी डॉर्मेसी में चली जाएगी, इसकी पत्तियाँ झड़नी शुरू होगी, कुछ पत्तियाँ छोटे छोटे हो जाएंगे, जो पत्तियाँ रहेंगे कुछ थोड़े से हो सकता है थोड़े क्रेप टाइप के हो जाए पत्तियाँ, तो इसमें डरने की बात नहीं है, इसे पाला से बचाइए, उस वक्त इसे किसी शेडी एरिया में रख दीजिए जहाँ इसमें पाला वगैरह नहीं गिरे, तो उसमें आप रख देने से इसे ये आपकी जो है ये बच जाएगी, और फिर जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो आप देखिएगा फिर इसी तरीके से ये इसमें ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप विंटर के सीज़न में इसे थोड़ा सा देखिएगा कि किसी घने पौधे के पास आप रख दें ताकि इसमें जो पाला या ओस इससे इसमें नहीं गिरे, इसके पत्तियों पे नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लगा सकते हैं, इंडोर भी रखें तो इंडोर जो मैंने बता दिए हैं आपको कि जिस खिड़की में धूप आती है उसी उसमें रखिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों जितने मैंने बताए वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, और मेरे इस वीडियो का अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए दोस्तों, अपडेट मिलते रहेंगे, और अगर आपको बहुत पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बहुत पौधे लगाइए दोस्तों, क्रोटन जरूर लगाइए, बहुत इजी टू ग्रो है, सॉरी क्रोटन नहीं, कोलियस जरूर लगाए, बहुत इजी टू ग्रो है, और आराम से इसे कहीं भी रख सकते हैं आप अपने घर की खूबसूरती के लिए। धन्यवाद दोस्तों।